हेलो फ्रेंड्स, विश्वकर्मा रियल एस्टेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा और नई लोकेशन के बारे में जो है जीरकपुर में। जीरकपुर में जो सा प्रोजेक्ट है ये गुलनार मेडियोस करके प्रोजेक्ट है और ये हाईवे के बिल्कुल साथ में है। आपको हर एक चीज़ के बारे में इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे मिस्टर विजय हुड्डा जी। कैसे सर, ये जो अपना प्रोजेक्ट है ये हार्डली 700 मीटर की दूरी पे है चंडीगढ़ से। बेसिकली हाईवे की प्रॉपर्टी है, कोई आपने अंदर किसी कवर्ड गली वगैरह में नहीं जाना, तो अपन हाईवे की प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पे ना स्टिल्ट प्लस 4 के कंसेप्ट में फ्लैट्स बना रहे हैं, लो राइज में विद लिफ्ट है। ये कितने फ्लैट्स हैं टोटल? टोटल हमारे पास ना सर 4 एकड़ की लैंड में 180 फ्लैट्स हैं, जिसमें से अपने पास 2 डिफरेंट कैटेगरीज आती है, 3+1 और 3 BHK। जो अपना 3+1 है वो आपका आ जाता है 264 गज में, तो 3 BHK हमारे पास वो आ जाता है आपका 200 गज। अभी इसके अंदर में अवेबिलिटी कितनी पड़ी होगी अगर मैं बात की जाए अवेबिलिटी की? सर टोटल अपने पास 180 फ्लैट्स है, तो ऑलमोस्ट अपने पास 35 से 30 फ्लैट्स के आसपास बचे हैं। ओके, और इसके अंदर में 3 BHK है कि 3+1 BHK है? 3+1 जो है वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, अपना जो मेजर इन्वेंटरीज है वो 3 BHK। और ये यहाँ से अगर हमने चंडीगढ़ सेक्टर 17 में जाना हो तो कितने मिनट की ड्राइव रहेगी यहाँ से? सर आपकी हार्डली 15 से 20 मिनट की ड्राइव है। तो आप इसके हमारे को इसका क्लब हाउस सारी चीजें बताएंगे कि कितने एकड़ में क्लब हाउस है, कितने स्क्वायर फीट में है, क्या क्या एमिनिटीज है यहाँ आपकी प्रॉपर? टोटल ना 4 एकड़ में अपने पास 180 फ्लैट्स हैं, जिसमें से अपने पास 3 BHK और 3+1 आ जाते हैं। अपने पास यहाँ पे टोटल 3 पार्क आ जाते हैं, 3500 स्क्वायर फीट का, 5000 स्क्वायर फीट का और 9000 स्क्वायर फीट का। क्लब हाउस जो है अपना वो आपका बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में बना हुआ है, कोई हमें गैदरिंग करनी है बेसमेंट में हो जाता है, इंडोर गेम्स आ जाते हैं, अपने पास जिम आ जाता है, वर्क फ्रॉम होम का स्टेशन आ जाएगा और क्लब हाउस के बिल्कुल फ्रंट में हमारे पास स्विमिंग पूल है। तो चले एक बार हमें आपको अपना लाइव साइट दिखलवाइए फ्लैट की। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए लाइव साइट विजिट पे, विजिट जी हमारे साथ में ही है, अब आपको विजिट जी पूरी की पूरी जानकारी देंगे हर एक चीज की। तो अभी बताइए सर, अपना जो कंसेप्ट है ना वो स्टिल्ट प्लस 4 का रहेगा, तो लो राइज में विद लिफ्ट है। स्टिल्ट में आपकी सारी की सारी ना पार्किंग आ जाती है। अपने पास क्या एक्चुअली बिल्डिंग टू बिल्डिंग ना स्पेस बहुत है, 65 फीट का गैप है आपका, जिसमें 40 फीट की रोड रहेगी और 12.5 फीट की आपकी भरम आ जाती है। वैसे तो हम आपको पार्किंग एक ही दे रहे हैं, बट आपकी एक गाड़ी के बीच दूसरी गाड़ी आपके स्टिल्ट उसमें लग सकती है, भरम पे लग सकती है। तो बेसिकली आपकी ऑलमोस्ट 2-2 गाड़ियों की पार्किंग होगी, जैसे कि ये स्पेस है, ये तो आपका बेसिकली फिलहाल कवर किया हुआ है, इन फ्यूचर आपका ये सारा ओपन रहेगा। तो स्टिल्ट में आपकी ऑलमोस्ट 2-2 गाड़ियां लग सकती है। एक बार आपको मैं सैंपल दिखा देता हूँ, थोड़ा साइड हो जाएगा। तो अपने पास बीच में लिफ्ट आ जाती है आपकी, स्टेनलेस की लिफ्ट लगा रहे हैं, 6-8% ऑलमोस्ट कैपेसिटी रहेगी इसकी। ओके, और आपकी जो लिफ्ट है ये फोर्थ फ्लोर का है। ये अपना दोनों साइड पे रहेंगे तो? सर अपने पास ना एक फ्लोर पे 2 फ्लैट आते हैं आपके सामने, बीच में आपकी लिफ्ट आ गई। ये आपका ना 3+1 वाला फ्लैट है जो 264 गज में बना हुआ है। तो अपने पास एक ये 3+1 जो है, 3+1 में अपने पास एक सर्वेंट रूम आ जाता है, इसके साथ में आपका कॉमन, इसके साथ जॉइंट वॉशरूम आ गया, इसकी अंदर से कोई एंट्री नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स अब आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे विजिट की फ्लैट की। तो आइए फ्लैट में ना सर एंट्री करते सबसे पहले अपने पास ड्राइंग आता है, ड्राइंग और डाइनिंग हमने सेपरेट किया हुआ है। आपका 14.5x16 का ड्राइंग है, 14x16 का हमारे पास डाइनिंग आ जाता है। फ्लैट में ना हमारे पास आगे पीछे दोनों साइड बेल्कनीज है, तो एयर वेंटिलेशन प्रॉपर है आपका, धूप दोनों तरफ आ रही है। बेल्कनीज का साइज हमने ना बहुत अच्छा दे रखा है, ये आपकी 6 फीट वाइड बेल्कनीज है जो आपकी प्रॉपर ड्राइंग से प्लस मास्टर बेडरूम दोनों से कनेक्टेड हो जाती है। ये आपका ड्राइंग और डाइनिंग जो है हमने सेपरेट किया हुआ है, 14x16 का आपका ड्राइंग आ जाता है और 14x16 का ही आपका डाइनिंग आता है। ये आपका डाइनिंग प्लस फैमिली लॉन्ज आ जाएगा, इसी के साथ आपका कनेक्टेड रहता है मास्टर बेडरूम। आपका मास्टर बेडरूम ये 11.5x16 के साइज में बना हुआ है, इसमें हम आपको ना एक तो ये वुडन फ्लोरिंग सेम दे रहे हैं, दूसरा कबर्ड बिल्कुल सेम दे रहे हैं। मास्टर बेडरूम के साथ जो आपका वॉशरूम है इसका साइज बहुत अच्छा दे रखा है, इसका साइज आ जाता है आपका 7.5x11 का, जिसमें आपको सारी जैगवार की फिटिंग्स से लेके कबर्ड्स तक इनफैक्ट सेम मिलते हैं। ये सेम कबर्ड जैसे आपकी बेडरूम में थी वैसे ही सेम कबर्ड आपकी वॉशरूम में आया। कोई बार मैं सेकेंड बेडरूम तक ले चल पाऊंगा। जो हमारा सेकंड बेडरूम है इसके साथ आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, जिसकी एंट्री आपकी डाइनिंग प्लस बेडरूम दोनों से रहेगी। हमारे सेकंड बेडरूम का साइज आ जाता है आपका 11x15, जो आपका कॉमन वॉशरूम प्लस बेल्कनीज दोनों से कनेक्टेड रहता है। सेम कवर्स आपको इस बेडरूम में मिल जाते हैं।
ये हमारी प्रॉपर मॉडलर किचन आ जाती है। किचन आपकी 7.5x7.5 के साइज में रहेगी। इसमें आपको हम सारी की सारी हेक्टिक की फिटिंग्स लगा के दे रहे हैं। ये आपकी सॉफ्ट क्लोजर के साथ आ जाती है। किचन के साथ ही आपकी बेल्कनी कनेक्टेड है। आपकी बेल्कनी जो रहेंगी, जैसे फ्रंट में मैंने आपको दिखाई थी 6 feet wide, सेम आपकी बैक में आती है 6 feet wide। दोनों बेडरूम से हमारे कनेक्टेड हो जाती है, किचन से कनेक्टेड हो जाती है। जैसे हमारी फ्रंट बेल्कनी मास्टर बेडरूम और ड्राइंग से कनेक्टेड होती है, वैसी हमारी बैक बेल्कनीज भी सेम कनेक्टेड होंगी। ये तो हमारा एक सैम्पल फ्लैट आया था। इसके बाद मैं आपको एक बार एक्चुअल फ्लैट भी दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें फ्लैट के साथ साथ क्या क्या मिल रहा है। ये हमारा थर्ड बेडरूम आता है, जिसका आपका साइज रहेगा 11.5x15। सेम कबर्ड आपको मिल जाती है, प्लस वॉशरूम आपके सेम आ जाएंगे। अब मैं आपको एक बार एक्चुअल फ्लैट की तरफ लेके चलता हूं। ये आपका एक्चुअल फ्लैट आ जाता है। एक्चुअल फ्लैट में ना आपको ये एग्जैक्ट सेम फ्लैट रहता है। जैसे मेन डोर्स पे हमारे पास ये स्मार्ट लॉक आ जाता है डोर सेट का। गेट्स आपके जो रहेंगे सारे के सारे सेम क्वालिटी के रहते हैं। टाइल्स आपकी सारी या तो कजारिया या रेलिवेंट सेम उसी के ब्रांड के आसपास की रहेंगी। ये स्लाइडिंग डोर्स भी आपको सारे के सारे एनक्राफ्ट के आ जाते हैं। बैल्कनीज हमारी बिल्कुल सेम आ जाएंगी। ये हमारा डाइनिंग आ जाता है, सेम डाइनिंग से कनेक्टेड आपका मास्टर बेडरूम आ गया। मास्टर बेडरूम में आपको ये सबसे पहले वुडन फ्लोरिंग बिल्कुल सेम मिल जाती है, कबर्ड्स आपकी बिल्कुल सेम आ जाती है। दूसरा आपका वॉशरूम का साइज बहुत अच्छा है, सेम जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था। वॉशरूम के अंदर सारी जैगुआर की फिटिंग्स के साथ आपको कबर्ड्स बिल्कुल सेम मिल जाते हैं। ये सेकेंड बेडरूम आपका, जिसमें कबर्ड सेम, वॉशरूम सेम और सेम आपका ये बैक बालकनी से भी कनेक्टेड। प्रॉपर मॉड्यूलर किचन हेटिक की फिटिंग्स के साथ सेम आ जाती है आपकी सॉफ्ट क्लोजर। और इसके साथ हमारी ये बैक बेल्कनी आ गई, जो दोनों बेडरूम्स किचन दोनों से कनेक्टेड है। हमारा थर्ड बेडरूम, जिसके साथ आपका कॉमन वॉशरूम आया था, ये सेम आ जाएगा आपका बेडरूम के साथ। कवर्ड सेम आ जाती है आपकी। विजय जी, अगर बात की जाए यहाँ के, आपको कितना टाइम हो गया कंस्ट्रक्शन को और आप इसका कब तक पोजेशन दे दोगे, और सबसे बड़ी बात ये कौन कौन से बैंक से अप्रूव्ड है? सर पहली बात तो ना, हमें ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है साइट को स्टार्ट किए। हम इसी साल दिसंबर से आपको पोजेशन दे रहे हैं। इसी साल दिसंबर से क्या हुँ? और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मेजर जितने बैंक से सबसे अप्रूव्ड है, जिसमें आपका SBI, HDFC, यूको बैंक, मेजर जितने बैंक से बेसिकली सबसे अप्रूव्ड है। और इसका क्लब हाउस कब तक रेडी हो जाएगा? साथ के साथ सर, दिसंबर में जब हम पोजेशन देंगे तब तक आपके रोड्स प्लस आपका क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, पार्क सब कुछ हम रेडी कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देख लिया है लाइव साइट विजिट में, आपको एक्चुअल फ्लैट भी दिखा दिया गया है, सैंपल फ्लैट भी दिखा दिया गया है। आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रही है। मेरे ख्याल से मैंने आज तक जीरकपुर के अंदर में ऐसा फ्लैट बना हुआ नहीं देखा हुआ। लोन्स भी अवेलेबल है, क्लब हाउस भी इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर नीचे दी हुई स्क्रीन पे अगर आपको कोई भी क्वारी हो तो आप जरूर संपर्क करें, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को ना भूलें। धन्यवाद।